हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से दही के पराठे कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताते हैं। और दही के पराठे हम थोड़ी अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। और सर्दियां चल रही है तो आप वैसे दही नहीं खा सकते, तो आप पराठे में डाल के दही खा सकते हैं। और बहुत ही प्रोटीन होता है दही में, फैट भी नहीं होता है ज्यादा, तो आप जरूर दही का पराठा बना के जरूर खाइए। बहुत ही हेल्दी होता है ये नाश्ता और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बताएंगे बनाना। और मैंने एक वीडियो पहले भी दही के पराठे का डाल रखा था, दही के पराठे, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो मेरे व्यूवर्स को बहुत ही पसंद आया था दही का पराठा, तो ये हम अलग तरीके से बनाएंगे। इसकी हाँ आप क्रीम भी निकाल सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। तो हम क्रीम निकालेंगे तो इसका जो पानी होता है बहुत ही प्रोटीन होता है उस पानी में, तो वो हमारा निकल जाता है। तो आज हम आपको अलग तरीके से बताएंगे और बिल्कुल सिंपल, तो ये कोई भी बना सकता है और बिल्कुल झंझट नहीं लगेगा बनाने में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो दही का पराठा बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो दही लिया है। इसको हम सबसे पहले आटे में मिक्स करेंगे। तो ये मैंने आटा लिया है, आटा अपने अकॉर्डिंग का आप ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है धनिया, और ये बारीक पिसा हुआ लहसुन है, और अदरक और मिर्ची का पेस्ट है बिल्कुल बारीक, इन तीनों को ही हम डालते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने तीखी वाली मिर्च ली, ये थोड़ी मोटी दरदरी पिसी हुई है, इससे हमारा जो पराठा बनेगा उसका टेस्ट बहुत ही अलग लगेगा। और ये पराठे का टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप आलू के पराठे बनाती हैं, इनका सबका फ्लेवर थोड़ा अलग होता है। तो आप दाल रोटी तो अक्सर रोज बनती है घर में, तो आप एक बार ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है आप। तो ये मैंने आधी चम्मच हल्दी डाली है, हल्दी इसलिए डाली है क्योंकि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में हल्दी बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। और ये देसी वाली हल्दी है, तो हमें हल्दी भी थोड़ा दूध में भी पीना चाहिए, और वैसे भी हमें हल्दी का यूज थोड़ा ज्यादा ही करना चाहिए ठंडियों में, क्योंकि बहुत ही फायदा करती है हल्दी। ये मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इसमें ये थोड़ा मैंने आधी चम्मच गरम मसाला लिया है, और ये मैंने एक चम्मच जीरा लिया है। जीरा भी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, तो जीरा भी हमें खाना चाहिए। और ये मैंने एक चम्मच नमक लिए, नमक भी अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और इसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे, अगर आप स्किप भी कर सकते हैं, घी आपको नहीं पसंद तो आप नहीं भी डाल सकते। और घी डालने से हमारे पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो हम सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें आटा लगाते टाइम पानी का यूज नहीं करना है, हमें दही से आटा लगाना है, दही का यूज करना है। अब हम इसमें एक साथ में दही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो हमारा आटा पतला भी हो सकता है। अगर हमारे को दही कम लग रहा है तो और भी दही ले सकते हैं, पर पानी का यूज नहीं करें, क्योंकि हम दही के पराठे बना रहे हैं तो दही का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा, दही रहेगा तो पूरा। और बच्चों को दही पसंद भी नहीं आए तो आप इस तरीके से टिफिन में पराठे बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये दही के पराठे होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, इनमें फैट भी नहीं होता है दही में, तो आप इस तरीके से ठंडी में बना के दे सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है सबसे अलग टेस्ट लगेगा आप दही का पराठा बनाएंगे तो। अब हम सभी पूरे जो आटा है इसको बिल्कुल सॉफ्ट भी लगाना है, टाइट नहीं रखना है। ये जो मैंने पूरा दही लिया था ये पूरा मैंने डाल दिया है। ये जो मैंने आधा किलो दही लिया था खत्म हो गया, तो ये मैंने और दही लिया है, क्योंकि हम दही के ही पराठे बना रहे हैं, इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे, तो हम इसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। हमारा आटा लग चुका, आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट लगा है, तो मैंने पूरे दही से ही आटा लगाया है। अगर आपके पास में दही थोड़ा कम है तो आप पानी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आप पूरे आटा दही में लगाएंगे तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे पराठे। तो हम दही का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तवा लिया है, तवा मैंने गैस मैंने ऑन कर दी, तवे को हम थोड़ा गर्म करेंगे, तब तक हम पराठा को बेल लेते हैं। तो अब इसको हम बिल्कुल गोल शेप में बेलेंगे थोड़ा आटा लगा के।
और ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट लगता है, बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो ये मैंने बिल्कुल गोल शेप में बेल लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसको हम डालते हैं। तो ये वाला पराठा हमारा तब तक सिकता है तब तक हम दूसरा वाला तैयार कर लेते हैं। तो इस पराठे को हम दूसरी वाली शेप देंगे, क्योंकि हम अलग अलग शेप में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे पराठे दिखने में। इसमें हम थोड़ा घी लगाएंगे, फिर से इसको फोल्ड करना है और इस साइड से भी घी लगाना है, फिर से फोल्ड करेंगे और इस शेप में बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा आटा लगाते हैं और आटा लगाने से, ये बेलने से पहले हम हमारा जो पहले वाला पराठा है वो भी देख लेते हैं। इसको हम दूसरी साइड से पलटते हैं और इस पे भी घी लगाते हैं। देख सकते हैं सिक भी चुका है हमारा पराठा। इस साइड से भी लगाते हैं। ये पराठा बहुत ही हेल्दी होता है और इसमें बिल्कुल फैट नहीं होता है। तो देख सकते हैं हमारा पराठा कितना प्यारा दिख रहा है। और इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है पराठे का। तो आप जरूर एक बार इस तरीके से पराठे बना के जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही प्रोटीन भी होता है इसमें, क्योंकि ये दही का पराठा है। तो हमें सभी पराठों का स्वाद लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पराठे का स्वाद लेके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस साइड से भी इसको देखते हैं, तो ये दोनों साइड से अच्छे से हमारा सीख चुका है। तो हम इसको निकालते हैं, दूसरे वाले को डालते हैं। हम इस वाले पराठे को इस शेप में बनाए हैं, अब इसको भी हम सेकते हैं। तो हमारा इस साइड से सीख चुका है, इस पे हम घी लगाते हैं और ये खाने में इतना सॉफ्ट लगेगा कि आप सभी पराठों का स्वाद भूल जाएंगे एक बार बना लेंगे तो। इस साइड से भी घी लगाते हैं। अगर इसको अलग अलग शेप में बनाएंगे तो बच्चों को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसको हमें थोड़ा हल्का दबा के सेकना है, क्योंकि ये चारों तरफ से हमारा पराठा अच्छे से सिक सके। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी अच्छे से सिक चुका है पराठा। ये पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। पराठे डालते हैं और सभी को हम इस तरीके से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं पराठे का कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। ये भी हमारा अच्छे से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। देख सकते हैं दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है पराठा। हम फिर से डालते हैं। तो ये मैंने बेल लिया, इसको हम चौकोर शेप में बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग शेप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारे दिखेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हम इस साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से भी। तो इसको हम चौकोर शेप देंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पराठा। तो हम सिंपल पराठे को भी इस तरीके से बना के बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। अब इसको हम बेलते हैं। तो ये मैंने चौकोर शेप दिए, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये भी पराठा। इसको भी सेकते हैं, तो देख सकते हैं चौकोर शेप में भी कितना प्यारा दिख रहा है हमारा पराठा। तो हमारे ये सिंपल तरीके से दही के पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, जो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। और ये चटनी के साथ में खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना।